दृश्या सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं लगातार आपको पिछले कई दिनों से वीडियोस दे रहा हूं, आज मैं आपके लिए पुनः एक नया वीडियो लेकर आया हूं। कल मैंने जैसा कि आपके लिए ग्रामर में वीडियो दिया था और मैंने आपको वर्ब का पार्ट 3 वीडियो दिया, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी से वीडियो को शुरुआत से ही मैं आपसे कह रहा हूं थैंक यू फॉर वॉचिंग, जो आप इतना ध्यान से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए सो मच थैंक यू। आज जैसा कि मैंने आपको प्रोवर्ब्स के वीडियोस दिए थे ग्रामर के लिए, और जैसा कि मैंने कहा था कि इसका प्रयोग लिटरेचर में भी होता है, मेरे सभी ऐसे स्टूडेंट जो कि 12th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, या वे स्टूडेंट जो कि TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, या वे स्टूडेंट जो कि जिनको टेट देना है, टेट CTET, आप ये समझकर चलिए इंटरमीडिएट में ये सिलेबस का एक टॉपिक है, 3 नंबर का आता है, और जो आपका यूपी टेट है उसमें कम से कम एक सवाल 30 में से, अंग्रेजी के 30 नंबर में से एक नंबर आपका प्रोवर्ब्स या idioms and phrases से रिलेटेड आता है, हर बार आता है, चाहे वो हिंदी विषय हो, चाहे अंग्रेजी विषय हो, चाहे संस्कृत विषय, आप भाषा के रूप में जिसको जो भी आप लेते हैं, आप देखेंगे कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, आपको प्रोवर्ब से कनेक्टेड एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। और मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स है इंग्लिश की, मैं आपके लिए उन वीडियोज को लेकर आता हूं जिसमें प्रोवर्ब्स के मैं आपको 2 वीडियोज दे चुका हूं। आज मैं प्रोवर्ब पार्ट 3 आपके लिए लेकर आया हूं, और जैसा कि आपको, अगर आपने मेरे वीडियोस को देखा है पहले और दूसरे पार्ट को, तो आप समझ जाइए कि आपको एक बार में वो प्रोवर्ब और उसका अर्थ समझ में आ गया होगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो में भी मैं जो प्रोवर्ब्स आपसे डिस्कस करूंगा, आप सिर्फ एक बार मेरे वीडियो को तन्मयता के साथ, ध्यान के साथ देखें, केयरफुल तरीके से, आपको ये सभी प्रोवर्ब्स रट जाएंगी, याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं प्रोवर्ब पार्ट 3। पहला प्रोवर्ब आज मैंने लिखा आपके लिए, मेक हे वाइल द सन शाइंस, मेक हे वाइल द सन शाइंस, मेक हे वाइल द सन शाइंस मींस होता है बहती गंगा में हाथ धोना। क्या मींस होता है? बहती गंगा में हाथ धोना। अब इसका क्या मतलब होगा, बहती गंगा में हाथ धोना, यानी कि मेक हे वाइल द सन शाइंस। तो भैया इसका मतलब यह हुआ कि कोई कार्य जो कि लगातार चल रहा है और आप भी उस कार्य में अपना सपोर्ट कर दें, तो क्या हुआ, बहती गंगा में आपने भी अपने हाथ धो लिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कुछ लोग जो हैं वो किसी चोर को पकड़ लिया, अब उस चोर को मान लो हिंसक प्रदर्शन के साथ उसको पीट रहे हैं, आप निकल रहे हैं, आपने भी कार लगा दिया, तो इसको क्या कहेंगे हम, बहती गंगा में हाथ धो लिया, ठीक है। उसके लिए आपने कुछ अलग से कोई आपको कार्य नहीं करना पड़ा, जो कार्य हो रहा था आप उसी में शामिल हो गए। तो मेक हे वाइल द सन शाइंस, बहती गंगा में हाथ धोना। अब आते हैं दूसरा, लुक बिफोर यू लीव, बड़ी अच्छी लाइन है ये, लुक बिफोर यू लीव, ध्यान से सुनते रहिए, लुक बिफोर यू लीव, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, यानी कि जब हम अपनी लाइफ में कोई भी कार्य ऐसा करते हैं जिसके परिणाम हम नहीं सोचते, बिना सोचे समझे जब हम कोई कार्य कर जाते हैं, तो इस बात की पूरी संभावना होती है कि वह कार्य गलत भी हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण हमें पीछे पछताना पड़े, यानी कि रिपेंट करना पड़े, अरे भाई ये कार्य हमने क्यों किया। तो व्हेन यू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, तो बिफोर डूइंग जस्ट थिंक वंस एंड देन डू, पहले परिणाम सोचें
उसके बाद किसी कार्य को करें, क्योंकि बिना सोचे समझे यदि आप कोई कार्य करते हैं तो इस बात की प्रबल संभावनाएं होती हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें गलती होगी, ठीक है ना। तब हम कहते हैं लुक बिफोर यू लीप। और आप इन जो मैं प्रोवर्ब्स आपको पढ़ाता हूं, आप इन प्रोवर्ब्स को याद करें, याद इसलिए करें जिससे कि हम जब बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी का यूज करते हैं तब हमें अगर कोई बात कहनी हो तो हम इस प्रकार से बात कर सकते हैं, अपनी प्रोवर्ब का यूज कर सकते हैं। क्योंकि इन कहावतों का प्रयोग, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, कहावतें यूनिवर्सलिटी दर्शाती हैं, सार्वभौमिकता दर्शाती हैं, और हम अपनी बात को प्रमाणिकता के साथ कहने के लिए प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम हिंदी में बात करते हैं तो हम हिंदी की कहावतों का यूज करते हैं। अब भाई आपको यदि इंग्लिश सीखनी है, स्पीकिंग करनी है, तो आप अंग्रेजी की भी कहावतें सीखिए। बात बुरी समझ में आ गई नहीं, तो अगर आपको कहीं ये कहना पड़े बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, तो अंग्रेजी में बोलिए ना, लुक बिफोर यू लीप। इज इट क्लियर। अब आते हैं नंबर थर्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। बड़ी खूबसूरत प्रोवर्ब है ये, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। मीन्स लिखा है हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ये लाइन जो है इसका इस्तेमाल किया अंग्रेजी साहित्य के सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर साहब ने अपने प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस में। जिसने मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा होगा उसको कम से कम ये लाइन तो अवश्य याद रहती है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अब इसको इलेबोरेट करें हम कैसे बताएंगे। तो जब हम विलियम शेक्सपियर का प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ते हैं तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में हमारी जो हीरोइन है उसका नाम है पोर्शिया। वह बेलमोंट की बड़ी ही धनवान महिला है और बहुत इंटेलिजेंट भी है, बहुत बुद्धिमान है। उसके पिता ने मरने से पहले एक शर्त रखी थी कि उसके घर में 3 कैस्केट रखे हुए थे और उसने शर्त यह थी कि जो भी उस सही कैस्केट को चुनेगा जिसमें पोर्शिया की तस्वीर होगी उससे पोर्शिया का विवाह होगा। और यह उसके पिता की, पोर्शिया के पिता की आखिरी इच्छा थी। हमारा वेनिस का एक कैरेक्टर दिखाया गया है जिसका नाम है बेसेनियो, जो कि पोर्शिया से प्रेम करता है, पोर्शिया भी बेसेनियो को प्रेम करती है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर बेसेनियो ने गलत कैस्केट को चुना तो उसका विवाह पोर्शिया से नहीं हो सकता। यह पोर्शिया ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। उसमें शेक्सपियर ने यह लाइन भी कही है, लुक बिफोर यू लीव, क्योंकि पोर्शिया ने कहा था बेसेनियो से कि खूब सोच समझ कर कैस्केट को चुनना, खूब सोच समझ कर कैस्केट को चुनना, क्योंकि सही कैस्केट चुनोगे तभी शादी होगी। तो भैया शेक्सपियर के इस प्ले में बेसेनियो से पहले एक राजकुमार आता है आर्गन का, और वह 3 कैस्केट्स में से एक कैस्केट होती है आपकी गोल्ड की, एक सिल्वर की, और एक आपकी होती है मेटेरियल, सस्ता मेटेरियल पीतल की। अब वो बंदा जो है, जो आर्गन का प्रिंस आता है, वह क्या चुनता है, गोल्डन कैस्केट। और गोल्डन कैस्केट के अंदर क्या निकलता है, पोर्शिया की तस्वीर तो नहीं निकलती बल्कि एक मूर्ख का चित्र निकलता है और उस पर स्क्रॉल लिखा होता है, लाइन लिखी होती है, All that glitters is not gold, यानी कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि बाहरी तौर पर जो चीज अच्छी लगती है कोई आवश्यक नहीं है कि वो चीज अच्छी हो सकता है बाहर तो अच्छा है और अंदर, समझ रहे हैं ना। तो तब ये लाइन कही जाती है, All that glitters is not gold। क्लियर। अब हम लोग आते हैं नंबर 4 पर, लिखा है नियरर द चर्च फार्दर फ्रॉम हेवन, नियरर द चर्च फार्दर फ्रॉम हेवन। अर्थात
चिराग तले अंधेरा, जिसके जैसा कि हम लोग कहते हैं दीपक तले अंधेरा या चिराग तले अंधेरा, तो अंग्रेजी में इस लाइन को कहेंगे नियरर द चर्च फार्दर फ्रॉम हेवन। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई आवश्यक नहीं है कि आप, उन्होंने कहा पूरा दिन पूजा करते हैं, पूरा दिन मंदिर में बैठे रहते हैं, ठीक अच्छी बात है, बैठिए पूजा पाठ करिए, लेकिन कर्म अच्छे नहीं करते तो क्या स्वर्ग मिलेगा? मंदिर में बैठने स्वर्ग मिलता है क्या? किसी भी धर्म ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि ईश्वर की हम पूजा करें, घंटी बजाएं या दीपक जलाएं जाकर रोज तो ईश्वर खुश होकर आपको स्वर्ग में स्थान देता है, ऐसा कदापि नहीं लिखा। व्यक्ति के कर्म जो होते हैं, हमारे जो वर्क हम करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ हमारी भगवत गीता, उसमें भी कहा गया है वर्क इज वर्क से, तो काम अच्छे करिए स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यानी कि इस पृथ्वी पर ही आपको स्वर्ग प्राप्त होगा यदि काम अच्छे करेंगे, कर्म अच्छे करेंगे, ठीक है ना। कोई आवश्यक नहीं है कि अपना कार्य छोड़कर पूजा पाठ करें, ठीक है, इससे कोई लाभ नहीं। अब इस दीपक तले अंधेरे को ही जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, तो एक तो इसका अर्थ यह हुआ, अगर हम दूसरे अर्थ की बात करें दीपक तले अंधेरा, तो मान लीजिए किसी के पिता जो हैं वह बहुत अच्छे टीचर हैं, अच्छे विद्वान हैं, और उनका पुत्र जो है वो, मान लीजिए पुत्र या पुत्री जो है वह उनके पदचिन्हों पर नहीं चल पाता, ज्ञानी नहीं बन पाता, ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता है, तब भी हम उसको यही कहते हैं कि दीपक तले अंधेरा या चिराग तले अंधेरा, तो तब हम ये लाइन बोलते हैं नियरर द चर्च फार्दर फ्रॉम हेवन। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर, ए ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। ए ब्लाइंड मैन यानी कि एक अंधा व्यक्ति कलर्स को जज नहीं कर सकता, यानी कि कलर्स को नहीं पहचान सकता। तो लिखा है बंदर किया जाने अदरक का सुहाग, ये तो हम सबने ही सुनी है कहावत, ऐसा कोई भी नहीं है अपने यहां जो हिंदी भाषी जो हम लोग हैं कि जिसने कभी जीवन में ये कहावत बोली ना हो कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कहने का तात्पर्य यह है इसमें कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि किसी व्यक्ति को विशेष को अच्छी लगती हैं, और वही चीजें दूसरे व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती, और जब हम क्रिटिसाइज करते हैं उन चीजों का उस व्यक्ति के सामने जिसको वो चीजें अच्छी लगती हैं, तो तब उस व्यक्ति ये सेंटेंस बोल सकता है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, क्योंकि आपने वो कार्य किया ही नहीं है तो आपको उसकी वैल्यू और उसके इंटरेस्ट के बारे में क्या जानकारी होगी, ठीक है ना। सबका अपना अपना कार्य है, सब अपने अपने कार्य में माहिर होते हैं, तो एक कार्य दूसरे के लिए यही हो सकता है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब आता है नेक्स्ट, ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, मित्र वही जो विपत्ति में काम आए, मित्र वही जो विपत्ति में काम आए। कहने का तात्पर्य आजकल फेसबुक का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, ढेर सारे मित्र होते हैं साहब, मेरे भी हैं ढेर सारे, अनकाउंटेबल भी हैं, ठीक है ना। लेकिन उनमें ऐसे मित्र कितने हैं जो कि अगर मेरे ऊपर विपत्ति आ जाए तो मेरा साथ देने को तैयार हो जाए, शायद ऐसों की संख्या उंगली पर ही गिनी जा सकती है, और ये मेरी लाइफ में नहीं, हम सबकी लाइफ में है। तो वह व्यक्ति वह मित्र मित्र होता है जो कि विपत्ति के समय काम आता है, परेशानी के समय काम आता है, खुशी में तो सब काम आते हैं, मित्र वही जो दुख में काम आता, जो विपत्ति में काम आए, वही आपका सच्चा मित्र होता है, और वह मित्र किसी भी रूप में हो सकता है, परिवार के सदस्य के रूप में हो सकता है, भाई के रूप में हो सकता है, बहन के रूप में हो सकता है, पत्नी के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन वह व्यक्ति जो कि विपत्ति में आपके साथ खड़ा हो, आपके समस्याओं के निपटारा करने में आपका सहयोग करे, वही मित्र आपका सच्चा मित्र होता है। तो तब ये कहावत कही जाती है, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अब आते हैं हम लोग, ए नाइन डेज वंडर, वाह
क्या लाइन है, ए नाइन डेज वंडर। अब आप कहेंगे इसका हिंदी होती है चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्या होता है चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब आप कहेंगे सर नौ, नाइन का मतलब तो नौ होगा, तो नौ दिन नहीं साहब, अंग्रेजी की कहावत है, हिंदी में इस प्रकार से बोली जाती है चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कहने का तात्पर्य यह है हम इसको लुक बिफोर यू लीव और ये नाइन डेज वंडर में काफी समानता कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कोई कार्य बिना सोचे समझे करते हैं तो शुरू में तो हमें बड़ा इंटरेस्ट आता है, ठीक चांदनी की तरह चार दिन की चांदनी, ठीक, और बाद में क्या होता है पछताना, फिर अंधेरी रात, फिर अंधेरी रात। जैसे कि हमारे जो मेरे पास जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है, किसी को मोबाइल पे गेम खेलना अच्छा लगता है, सब चीजें अच्छी लगती हैं, बढ़िया बात है, अच्छी लगनी भी चाहिए, गेम्स स्पोर्ट्स सब खेलना भी चाहिए, लेकिन उनका जो प्रमुख कार्य है, जब स्टूडेंट है तो प्रमुख कार्य पढ़ाई है, लेकिन जब वो ये पढ़ाई नहीं करते तो अभी उनको ये गेम बड़े अच्छे लगते हैं, नाइन डेज वंडर है ये, ठीक, लेकिन जब एग्जाम में नंबर कम आते हैं फेल होते हैं फिर क्या हो जाती है अंधेरी रात, ठीक है ना। तो जो चीजें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, कोई आवश्यक नहीं वो चीजें आपके भविष्य के लिए अच्छी हो, तो वो सब क्या है चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात के समान है। अगला आता है ए बैड नेम इज वर्स देन बैड डीड्स, बड़ा अच्छा है, ए बैड नेम इज वर्स देन बैड डीड्स मीन्स है बद से बदनाम बुरा, बद से बदनाम बुरा, ए बैड नेम इज वर्स, एक बुरा नाम अत्यधिक खराब है अपेक्षाकृत बैड डीड्स से, बुरे कार्यों से। कहने का तात्पर्य क्या है, इस संसार में सब चोर हैं, इस संसार में सब चोर हैं, किसी ना किसी प्रकार से हम सब चोरी करते हैं, कोई समय की चोरी करता है उसको बर्बाद करके, ठीक, कोई किसी प्रकार से करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो वो व्यक्ति अच्छा जिसकी चोरी पकड़ी ना जाए, ठीक, वो चोरी कर रहा है वो चोर है लेकिन चोरी पकड़ी नहीं गई उसकी तो वो अच्छा, लेकिन मान लीजिए एक बार चोरी की और पहली बार में पकड़े गया, एक बार चोरी की और पहली बार भी चोरी करते समय पकड़ा गया तो भैया पूरी दुनिया में वो क्या कहलाएगा, चोर कहलाएगा, ठीक है ना। तब ये लाइन कही जाती है बद से बदनाम बुरा, यानी कि ए बैड नेम इज वर्स देन बैड डीड्स, क्लियर ना। अब आते हैं आगे, ए क्लोज्ड माउथ कैचेस नो फाइल्स, ए क्लोज्ड माउथ कैचेस नो फाइल्स, बिन रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाती, कहावत है ये, बिन रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाती, यानी कि आपको जो चाहिए होता है उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, कोई चीज स्वतः चलकर नहीं आती। बढ़िया अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका, मेहनत स्वयं नहीं होती, मेहनत करनी होती है, मेहनत करनी होती है, आवश्यक तौर पर करनी होती है, आराम हो जाता है, मेहनत और आराम दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, मेहनत करनी होती है और आराम स्वयं हो जाता है। सुबह चार बजे अगर उठना पड़ता है पढ़ने के लिए तो उसमें आप मेहनत करनी पड़ती है, उठना पड़ता है, क्लियर, और सोना होता है तो सो ही रहे, रजाई उड़े आराम से सोते रहो सात बजे तक आठ बजे तक, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना। तो तब हम ये लाइन कहते हैं बिन रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाती, यानी कि आपको अगर कुछ चाहिए देन यू हैव टू बी वर्क हार्ड फॉर दैट, ठीक है ना, लड़ने की नहीं बात करता हूं, ये चाहिए तो हमें लड़ना है ना, प्रयास करना चाहिए, इज इट क्लियर। 10 नंबर है ए बॉर्ब इन शीप्स क्लॉथिंग, बड़ा अच्छा है, सब बोलते हैं ये, ए बॉर्ब इन शीप्स क्लॉथिंग, मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी, और हम चूंकि वेस्ट यूपी में रहते हैं तो हमारे लिए कहा जाता है, हम ये कहावत बोलते हैं, मुख में राम बगल में ईंटें
और मिल जाए राम तो धर धर कूटे, कहने का तात्पर्य। अभी हमारे कुछ समय पहले देश में कई ऐसे धर्म प्रचारक हुए, धर्म प्रचारक हम उनको कहेंगे, ऐसे हुए जो कि बड़ी अच्छी अच्छी मधुर बातें किया करते थे, और उनके जब कर्म खुले, तब उनकी असलियत हमारे सामने आई। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, डोंट वरी। तो तब उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। अब वो क्या कर रहे हैं, राम राम का नाम तो ले रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन कर्म कैसे कर रहे हैं, छुरी रखने वाले। कर्म कैसे कर रहे हैं, छुरी रखने वाले, ईंट रखने वाले। यानी कि राम का नाम सिर्फ लेते हैं लेकिन राम के आइडियल को फॉलो नहीं करते हैं। हम रामायण पढ़ने से अच्छा है अगर राम जी की एक भी कैरेक्टर की खूबसूरती को, अगर एक भी क्वालिटी को अपनी लाइफ में उतार लें तो वो सभी रामायण पढ़ने से ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। तो राम राम कहने की आवश्यकता नहीं है, राम राम को अपने मन में उतारने की आवश्यकता है। तो कदापि ऐसा ना करें कि मुख में राम बगल में ईंटे, या मुख में राम बगल में छुरी, ठीक है ना। अब हम लोग आगे की प्रोवर्ब्स की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी 15 प्रोवर्ब्स दिए थे प्रोवर्ब पार्ट टू में, और आज भी के वीडियो में भी मैं आपको 15 प्रोवर्ब दे रहा हूं समझाते हुए, क्योंकि ज्यादा फिर काफी बड़ा वीडियो हो जाता है, तो 15 प्रोवर्ब भी लेके आया हूं। तो 10 मैंने अभी समझाई थी आपको, 5 प्रोवर्ब मैंने और लिखी है आपके लिए। अब जैसे ही हम बात करते हैं, ए गिल्टी कॉन्साइस नीड नो एक्यूसर, एक गिल्टी कॉन्साइस नीड नो एक्यूसर, अर्थात चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। आपको मैं बता दूं, अंग्रेजी भाषा में जो कहावतें यूज होती हैं वो मोस्टली कहावतें विलियम शेक्सपियर ने यूज की हैं अपने प्लेस में। तो अगर हम इसकी बात करें, ए गिल्टी कॉन्साइस नीड नो एक्यूसर, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इसको हम जोड़ते हैं प्ले हेमलेट से। कौन सा प्ले, विलियम शेक्सपियर का प्ले हेमलेट। हेमलेट प्ले में क्या होता है कि हेमलेट के पिता जो होते हैं वह डेनमार्क के राजा होते हैं, और हेमलेट जो है वह डेनमार्क का राजकुमार होता है। हेमलेट के पिता एक दिन अपनी वाइफ के साथ बाग में टहल रहे होते हैं और उनको नींद आ जाती है, तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम जाओ और मुझे थोड़ी देर आराम करना है, सोना है, और वो वहां सो जाते हैं। इस बात का फायदा उठाता है क्लेडियस, और क्लेडियस जो कि सगा भाई है राजा का, हेमलेट के पिता का सगा भाई है, वह क्या करता है, एक पॉइजन लेकर आता है और उस पॉइजन को राजा के कान में डाल देता है, राजा की मृत्यु हो जाती है। और कहता यह है सबको बताते हुए कि भाई सांप ने काट लिया भाई को, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद क्या होता है, क्लेडियस को राजा बना दिया जाता है। लेकिन इस प्ले में जब हम आगे देखते हैं तो राजा का भूत दिखाया गया है, शेक्सपियर ने दिखाया है, और वो हेमलेट को यह बताता है कि मेरी मृत्यु जो है वह नेचुरल नहीं है, मुझे मेरे ही भाई ने मारा है। तो हेमलेट को पहले यह बात यकीन नहीं होती, तो हेमलेट अब ऐसा कुछ सोचता है कि जिससे कि गिल्टी कॉन्साइंस नीड एक्यूसर हो जाए, यानी कि चोर स्वयं इस बात को सिद्ध कर दे कि हां उसने चोरी की है। तो इस प्ले में एक छोटा सा प्ले और दिखाया गया है, द मर्डर ऑफ गोरेंजो, छोटा सा है द मर्डर ऑफ गोरेंजो। इसमें भी ठीक उसी प्रकार से मर्डर का सीन दिखाया गया है जिस प्रकार से क्लेडियस ने अपने भाई की हत्या की, और हेमलेट जानबूझकर राजा क्लेडियस को वो प्ले दिखवाता है, और जैसे ही राजा ये दृश्य देखता है तुरंत
क्रोधित हो जाता है और चिल्लाकर कहता है ये बंद करो बंद करो, ये प्ले बंद करो। यानी कि ये बात स्पष्ट हो जाती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि अगर क्लेडियस ने ऐसा ना किया होता तो उसे उस प्ले से कोई प्रॉब्लम ना होती। ये तो प्ले की बात हो गई। वैसे हम कहें चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जब आप कोई गलत कार्य करते हैं और आपसे छोटा सा एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है, तब आप बड़ी बड़ी बात करते हुए उस बात को टालने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है ना। तो आप कहेंगे चोर की दाढ़ी में तिनका, न दाढ़ी होती है न तिनका होता है, कहावतें होती हैं। क्लियर साहब। अब अगला आया एंगर इज ब्लाइंड, क्रोध अंधा होता है। तो भैया क्रोध अंधा नहीं होता, क्रोध में मनुष्य अंधा होता है, क्रोध में मनुष्य अंधा होता है। चौथे पांचवें की किताब हम लोगों ने पढ़ी है, उसमें हमने देखा कि एक महिला जो है वह अपने यहां एक नेबला पालती है, नेबला जानते होंगे ना, नेबला पालती है, और वह नेबला जो है वह इतना ट्रेंड हो जाता है कि बड़ी अच्छी तरीके से घर के सदस्यों के साथ रहने लगता है। एक दिन वह महिला मार्केट जाती है, बाजार जाती है, और अपने छोटे से बच्चे को घर में अकेला छोड़ जाती है। मां तो चली गई, लेकिन मां के जाने के बाद क्या होता है, एक सर्प निकल आता है, स्नेक आ जाता है, और वह स्नेक उस बच्चे को डसने ही वाला होता है कि नेबला उसको देख लेता है और नेबला उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन ऐसा करते समय उसके मुंह पर ब्लड लग जाता है। मां मार्केट से लौट कर आती है, सांप को देखती है, नेबले के मुंह पर लगे खून को देखती है, तो उसको ये लगता है कि नेबले ने उसके पुत्र को मार दिया, सॉरी वो सांप को नहीं देख पाती, सिर्फ नेबले को देखती है जिसके मुंह पर ब्लड लगा होता है, तो उसको ये लगता है कि नेबले ने मेरे पुत्र की हत्या कर दी। तो वो गुस्से में डंडा उठाती है, नेबले की मार देती है, नेबला मर जाता है। नेबला मर जाता है, तब वो अपने बच्चे को देखती है और बच्चे के पास पड़े हुए सांप को देखती है जो कि मरा पड़ा था। तब उसके समझ में आता है कि नेबले ने सांप को मारा बच्चे को बचाने के लिए। लेकिन वो दूसरी कहावत है ना, फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात जब क्रोध शांत हुआ तब तक सब कुछ समाप्त हो चुका था, नेबला मर चुका था जिसने बच्चे की जान बचाई थी। तो क्रोध जो होता है वो व्यक्ति को क्या करता है, अंधा बना देता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी के ने कहा कि यदि व्यक्ति चाहे तो झगड़े को टाल सकता है। उनसे पूछा गया क्यों टाल सकता है और कैसे टाल सकता है। उन्होंने कहा मान लो मेरा आपसे झगड़ा हो गया, आप मुझसे लड़ने आए, मैंने कहा साहब आज मेरा व्रत है, आज नहीं लूंगा, कल लड़ने आना। अब घटना आज की है, ठीक, मैं मृत भाषा के साथ आपसे बोलूंगा नहीं साहब हमें लड़ना ही नहीं, हम लड़ेंगे नहीं साहब, आज मेरा व्रत है। तो जब कल आप आएंगे तो क्रोध आधा तो अपने आप ही कम हो जाएगा। ऐसी दो एक बार डरका देना तो झगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पेशेंस होना चाहिए, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बर्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फियर, 30 नंबर, ए बर्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फियर, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, अर्थात अगर हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य को करते समय यदि हमसे कोई गलती हो जाती है जिसका खामियाजा हमें बड़ा भुगतना पड़ता है, तो भविष्य में जब हम उस कार्य को दोबारा करते हैं तो भैया बहुत डर डर के और बहुत सोच समझ कर करते हैं। आप नहीं समझे कि नहीं, तब यह कहावत कही जाती है कि दूध का जला छाज भी फूंक फूंक कर पीता है। कहने का तात्पर्य एक बार गलती होने के बाद दोबारा जब हम उसी कार्य को करते हैं तो हमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है, ठीक है ना। क्या रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते समय आपका एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई आपको काफी,
दोबारा जब बाइक चलाएंगे तो जितने पहली बार में कॉन्फिडेंस से आप बाइक चलाते थे उतना कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी आपके अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि आपको काफी डर का अनुभव होगा। ठीक है ना, सतर्कता बहुत ज्यादा आप बरतेंगे तो तब ये लाइन कही जाती है। नेक्स्ट, ए ड्रॉप इन द ओशन, ए ड्रॉप इन द ओशन, सागर में एक बूंद, क्या वैल्यू हुई? नथिंग। अथा सागर है उसमें पानी की एक बूंद, उसकी वैल्यू क्या? ठीक है ना, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा, इतना बड़ा ऊंट और खाने के लिए क्या दे दिया जाए? जीरा। समझते ना जीरा, तो ऊंट को क्या समझ में आएगा भाई जीरा? उसको तो बहुत ढेर सारा चाहिए ना। जैसे महासागर में इतना पानी, तो एक बूंद निकल गया या एक बूंद पड़ गया तो महासागर को क्या फर्क पड़ता है भाई? क्या फर्क पड़ेगा उस इनको? तो इसी प्रकार से अगर ऊंट के मुंह में जीरा आ जाए, यानी कि जहां नेसेसिटी बड़ी हो, आवश्यकता बहुत बड़ी हो, और वहां ना के बराबर कोई चीज प्राप्त हो जाए, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव ही रहती है। तब हम इस लाइन को कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है ना, जैसे कि कई मेरे साथी हैं बताते हैं कि उनका भाई वे या कुछ आईएएस की कोचिंग, सिविल सर्विस की कोचिंग करने 5 साल पढ़े रहे दिल्ली में, ठीक है, चपरासी भी ना बन पाए। ठीक, तो ऊंट के मुंह में जीरा, या मान लो चपरासी बन भी गए तो वो क्या होगा? ऊंट के मुंह में जीरे के समान। ठीक, नेक्स्ट लास्ट आज का, बुलीज आर जनरली कोवर्ट्स, बुलीज आर जनरली कोवर्ट्स, शेकी बाज कायर होते हैं। ये तो इसका एक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा रेपुटेशन वाला ये है, शेकी बाज कायर होते हैं। हम लोग प्राय बोलते हैं भौंकने वाले कुत्ते कम काटते हैं। ठीक है ना, कहने का तात्पर्य जो कुत्ता ज्यादा भौंकता है उसको ज्यादा डर लगता है, और जो कुत्ते नहीं भौंकते वो आसानी के साथ लोगों पर अटैक कर उनको काट लेते हैं। तो वे व्यक्ति जो कि बहुत अपनी तारीफ करते हैं, सेकी मारते हैं, अंदर से वे व्यक्ति अधिकतर कायर होते हैं, और वो व्यक्ति जो कि शांत रहते हैं वे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि अधिक बोलने वाला व्यक्ति जो है वह बोलता ही है, उसको बोलना ही आता है। ठीक है ना, उसको एक्टिव, या आप उसको कहें अपने एक्शन में उतारना, उसके लिए बड़ा मुश्किल कार्य होता है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब्स आज मैंने आपके लिए लाया हूं। आई होप आपको ये प्रोवर्ब्स बहुत अच्छी लगी होंगी, इनका एक्सप्लेन भी आपको समझ में आया होगा, और जैसा कि आप अब तक मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, मैं आपसे पुनः ये अनुरोध करूंगा कि आप मेरे वीडियोस को ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहें, देखते रहें, सीखते रहें, और आपको यदि अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें मेरा, लाइक करें।